हेलो गाइस वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर तो जैसे कि मैंने कल अनाउंसमेंट हम लोगों ने करी थी एंड बोला था हम लोग जी की कंप्लीट रिवीजन सीरीज़ करेंगे एंड ऑलरेडी आपने देखा यूनिट वन की वीडियोस आना स्टार्ट हो गई हैं एंड अब मैं कवर कर रहा हूँ यूनिट टू अगर आप लोगों ने अब तक यूनिट वन की ना देखी हो तो पहले मैं सजेस्ट करूँगा आप वो देख लेना उसके बाद ये करना क्योंकि ये सारी वीडियोज़ कॉन्टीन्यूएशन है उसके अलावा अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब उसके अलावा वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना क्योंकि तो यार एटलीस्ट अगर मॉनिटरी बेनिफिट नहीं दे सकते तो एटलीस्ट रीच तो हम लोगों को प्रोवाइड कर ही सकते हो एंड डू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स क्योंकि हर 25 से 30 लाइक के बाद ही हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो यूनिट टू में हम लोग बात करने अबाउट लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ जी टैक्सेबल इवेंट क्या होता है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है कस्टम ड्यूटीज़ क्या है जीएसटी का वैल्यूएशन कैसे करते हैं जैसे कि न्यूमेरिकल्स भी आते हैं काफ़ी टाइम वो भी एक आध हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें एग्जेम्टेड है एक्सपेंसिस का क्या होता है जी के अंदर एंड लास्ट में स्मॉल बिजनेसिस की जो कॉम्पोजिशन स्कीम है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उनका थ्रेश होल्ड किया है किन पे एप्लीकेबल है उसके क्या इफ्स एंड वर्ड्स हैं सारी चीज़ें डिटेल में करेंगे इसमें स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हम लोगों जी एस है ना जी दूर से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं अगर आप लोग बुक्स वगैरह लेके बैठोगे तो जी से पक्का डर लगेगा एंड चीज़ें समझ नहीं आएगी बट अगर आ, मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ हमारे चैनल से करो बट अगर और किसी चैनल की भी एक बार वीडियोज़ कर लो जो समझाता अच्छे से हो तो चीज़ें अपने आप आसान होती चली जाएगी जी एस के फंडे बहुत आसान हैं एक बार समझ आ जाएंगे तो आप लोग उसको डेली अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट कर पाओगे एंड चीज़ें ईजिली इज समझ पाओगे तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिवाई एंड चार्जेस ऑफ जीएसटी के इसमें जैसे कि लास्ट वीडियोस में गुरप्रीत ने बताया था कि हमारी अलग अलग स्लैब रेट्स होती है अब ये क्यों होती है सबके दिमाग में सबसे पहली चीज़ तो ये आनी चाहिए वो इसलिए होती है क्योंकि जो हमारी इंडिया है ना इसमें इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा है मैं हर किसी पे हर चीज़ पे सेम टैक्स नहीं लगा सकता हर किसी को मैं सेम चीज़ से ट्रीट नहीं किया जा सकता जैसे कि हम लोग रिज़र्वेशन देखते हैं रिज़र्वेशन काफ़ी जनों को दिया जाता है एंड काफ़ियों को नहीं दिया जाता उनको रिज़र्वेशन दिया ही इसलिए गया कि वो अपने आप को अपलिफ्ट कर सके वैसे ही मैं हर प्रोडक्ट को हर इंडिविजुअल को सेम उसमें नहीं नाप सकता जो मेरी रिच सोसाइटी है उसकी अलग नीड्स है जो मेरी पुअर सोसाइटी है उसकी अलग नीड्स है रिच सोसाइटी मेरी एफोर्ड कर सकती है महंगा महंगी चीज़ें पुअर वाली में भी ना करनी पड़े एंड इसका भी कोई सेंस नहीं बनता कि मैं पहले तो एक्स्ट्रा जी एस टी लगाया हमारी गवर्नमेंट एंड बाद में सब्सिडीज़ के रूप में उसमें छूट दे तो इसका क्या किया जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने पहले ही चार स्लैब्स लेकर आई अलग अलग पाँच बारह अट्ठारह बाईस अब मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग इनको याद रख सकते हैं कैसे समझ सकते हैं कैसे गुड्स को डिवाइड किया गया सबसे पहले कुछ आइटम्स जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्टेड है जैसे कि पहले भी होते थे वैट के टाइम पे इन दूसरे डायरेक्ट टैक्स के बारे में कुछ पाँच परसेंट में आते हैं कुछ बारह में आते हैं कुछ अट्ठारह में आते हैं कुछ अट्ठाईस में आते हैं है। अब एक एक करके सबको लेके चलते हैं ताकि हमें समझ आ जाए सबसे पहले मैं चलता हूँ एग्जेम्प्टेड के पास अब एग्जेम्प्टेड कौन से हो गए पहले खुद से दिमाग लगा के पूछो हमारी कंट्री में मैक्सिमम काम एग्रीकल्चर का है सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक बैकवर्ड फार्मर्स को माना गया हमारी सोसाइटी में कि सबसे ज़्यादा अत्याचार उन उनते ही होते हैं उसके अलावा पहले जितना भी था हमेशा एग्रीकल्चर टैक्स फ्री रहा तो जीएसटी के अंदर भी जितने मेरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे अपनी रॉ फॉर्म में सारे टैक्स फ्री रखे गए हैं उसके अलावा मिल्क एग्स कर्ड बटर मिल्क ये सारी चीज़ें टैक्स फ्री हैं इसके अलावा एक चीज़ इसमें और ऐड करी जा सकती है जो मेरे एक्सपोर्ट होते हैं आइटम्स वो भी काफ़ी हद तक टैक्स फ्री रहते हैं अनटिल अनलेस वो लग्जरी गुड्स ना हो या ऑलरेडी स्पेसिफाइड ना हो ठीक है इसके अलावा अब हम चलते हैं अपनी एक्सट्रीम कैटेगरी पे जो कि है ट्वेंटी एट परसेंट अब देखो ट्वेंटी एट परसेंट मैं किन से ले सकता हूँ उनसे ले सकता हूँ या तो वो बहुत ज़्यादा लग्जरी आइटम हो या फिर वो कोई ऐसी चीज़ हो वो हमारी एकदम कंपल्सरी डे टू डे वाली नीड नहीं है लेकिन मेरे को उसकी ज़रूरत पड़नी है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अब जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल लेता तो हूँ सीमेंट का सीमेंट मेरा घर बनाने के लिए यूज़ होगा घर बंदा डेली की डेली तो बनाएगा नहीं बट लेकिन जब भी बनाएगा सीमेंट यूज़ करेगा ही करेगा एंड क्योंकि सीमेंट यूज़ करेगा मैं उसमें एक बार अट्ठाईस परसेंट जी एस टी उठा सकता हूँ मेरी जितनी भी महंगी कार्स हो गई अगेन रिच कम्युनिटी के पास गई रिच कम्युनिटी अफोर्ड कर सकते तो गवर्नमेंट ने उस उसमें भी अट्ठाईस परसेंट लगा दिया दूसरा रीज़न क्या दिया कि जो भी चीज़ें जो मेरे एनवायरमेंट को हार्म करेगी उनसे मैं ज़्यादा जी एस टी करूँगा एनवायरमेंट के नाम पर ये मैं गवर्नमेंट के एक तरीका तरीका बता रहा हूँ याद करने का अब जैसे कि जितने भी बीडी सिगरेट वगैरह ये मेरी हेल्थ के लिए इंजूरअस है सीमेंट मेरा एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है तो सब पे अट्ठाईस परसेंट लगा देना ठीक है उसके बाद हम लोग आते हैं फाइव परसेंट फाइव परसेंट में क्या होता है फ़ाइव परसेंट मेरी वो चीज़ें हैं जिनकी मेरी डे टू डे लाइफ में नीड बननी बननी है एंड ये ऐसी है जो हद से ज़्यादा कंपल्सरी नहीं है बट मैं इनको कम्पल्सरी से हटा भी नहीं सकता जैसे कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स यानी कि जो मेरे पैक हुए हुए आते थे ब्रांडेड वीट एंड राइस भाई अगर मैं फार्मर से ले रहा हूँ बिना ब्रांडिंग के तब तो मेरे को फ्री रहा जब मैंने ब्रांडेड कर दिया मैं इंडिया गेट के ले आया तो उसमें जी लगना स्टार्ट हो गया उसके अलावा जितना भी मेरा क्लॉथ है क्लॉथ पहले टैक्स फ्री हुआ करता था बट अब उसको एज अ लग्जरी ट्रीट करने लग गए एंड उसमें भी पाँच परसेंट लगा दिया इसके बाद अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं इसके बाद आए बारह और अट्ठारह परसेंट बारह और अठारह परसेंट में बाकी जितने जने आ गए वो बारह और अठारह में डिवाइड हो जाते तो लाइक अगर एग्जाम के लिए याद रखना हो अगर मेरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं या फिर एक्सपोर्ट में जा रहे हैं जो स्पेसिफाइड नहीं है वो सारे मेरे एग्जेम्टेड रहेंगे सारे लग्जरी गुड्स जो एन्वायरमेंट को हार्म करते हैं मेरे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है वो सारे अट्ठाईस में गए पाँच में मेरे डे टू डे लाइफ वाले जिनको मैं अपने से अलग नहीं कर सकता लेकिन उनके बगैर भी शायद एक परसेंट पहूँ वो मेरे पाँच परसेंट में आ गए बाकी बारह और अठारह में डिवाइड हो गए उसके अलावा आप लोग ये लिस्ट कर सकते हो ऑनलाइन भी चीज़ें अवेलेबल है वहाँ से भी उठा सकते हो ये हमेशा सब्जेक्ट टू चेंज है मॉडिफिकेशन आते रहते हैं ये चेंज होती रहती है मैंने करंट के हिसाब से लिए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं प्लेस टाइम प्लेस एंड टाइम ऑफ सप्लाई अब प्लेस एंड टाइम ऑफ सप्लाई क्यों इंपॉर्टेंट है उसको समझते हैं प्लेस का मतलब होता है कि कहाँ पे मैंने सर्विस या गुड्स को प्रोवाइड किया टाइम किस टाइम पे किया अब मैं इसको क्यों इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ एक बार उसको समझते हैं सबसे पहले बात करता हूँ मैं प्लेस एंड टाइम और सप्लाई को मैं क्यों ला रहा हूँ उससे पहले हमने पिछली अपनी वीडियोस में डिस्कस किया था कि या तो हम लोग एस जी चार्ज करते हैं सी करते हैं या फिर आई करते हैं इन चीज़ों की वजह से ही मेरा प्लेस एंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो कैसे होता है पहले वो देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं हम टाइम ऑफ़ सप्लाई की टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है टाइम ऑफ सप्लाई को मैं वो टाइम मानता हूँ कि जब ये माना जाए कि जो मेरी गुड्स या सर्विस है वो लेने वाले तक पहुँच गई ठीक है अब ये मेरा आइडेंटिफाई करना क्यों ज़रूरी है क्योंकि इसके बेसिस पे ही जो सर्विस या गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो टैक्स की ड्यू डेट अपनी करेगा जैसे कि मान लो मेरा कोई प्रोडक्ट है मैंने इकतीस अगस्त को दिया तो उसकी रिटर्न मेरी दस सेप्टेम्बर तक चली जानी चाहिए अगर उसकी जगह मैं आगे दूंगा तो काम नहीं करेगा ये सारी चीज़ें प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे को देखना है कि वो मेरा स्टेट है या इंटर स्टेट है क्या चीज़ हो रही है वो चीज़ें भी ऑलरेडी डिफाइन करी गई हैं उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ सप्लाई लाइक उसकी वैल्यू क्या है क्योंकि वैल्यू के बेसिस में ही तो यार जीएसटी चार्ज करेंगे जब तक मेरे को वैल्यू ही नहीं पता होगी तो मैं कैसे ले लूँगा तो एक एक करके चलते हैं सबसे पहले बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई क्या लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई आसान आसान शब्दों में दिया हुआ है कि चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो या तो जिस टाइम मैं इन्वाइस इशू कर रहा हूँ उसको ले लूँ या फिर जिस टाइम मेरे को लास्ट इन्वाइस इशू कर देनी चाहिए थी उसको ले लूँगा अब या फिर जिस दिन मेरे पास एडवांस या पेमेंट आ गई हो अब तीनों को एक एक करके समझाता हूँ सबसे पहले बात करते हैं डेट ऑफ इशू ऑफ़ इन्वाइस मैंने आज इन्वाइस करी मेरी आज सप्लाई हो गई एक तरीके की ये मान लेती है गवर्नमेंट हमारी दूसरा लास्ट डेट ऑन विच इन वॉयस शूड हैव बीन इशूड इसका मैं एक एग्जांपल समाजता हूँ सपोज करो मेरा क्लॉथ का काम है मेरे को एक पार्टी को 700 हंड्रेड का मटेरियल प्रोवाइड करना है पहले दिन मैंने 200 दिया तीसरे दिन 300 दिया चौथे दिन 200 सौ दे दिया तो मे बी कायदे में तो मेरे को uh, सब जगह इन्वाइस करनी चाहिए थी बट अगर मैंने नहीं करी तो लास्ट डेट जो कि मैंने जिस दिन 200 दिया उस दिन इन्वाइॉइस रेस करना कंपलसरी था तो उसमें मेरे को कर देनी चाहिए थी वो माना जाएगा या फिर तीसरा डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एडवांस या स्लैश पेमेंट जी एस टी में क्लॉज है कि लाइक मैं किसी भी पार्टी की पेमेंट अपने पास एडवांस एक से डेढ़ महीने से ज़्यादा नहीं रख सकता अगर मैं उससे ज़्यादा रखूँगा तो मेरे को उस एडवांस पेमेंट का जी गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा इ रिस्पेक्टिव मैं गुड सप्लाई करता हूँ या नहीं करता तो इसमें यह चीज़ लिख सकते हो उसके बाद आता है प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई इसलिए इंपॉर्टेंट है जैसे कि मैंने बताया डिटरमाइन करने के लिए कि मेरे को इंटरेस्ट रेट है या इंटरेस्ट रेट है मेरे को कौन सा टैक्स लगाना है सी प्लस एस या फिर आई अब गुड्स का क्या होगा गुड्स का तो देखो आसान है जहाँ पे गुड्स डिलीवर हुए उसके हिसाब से अगर मैं दिल्ली में बैठा हूँ दिल्ली से मैंने हरियाणा भेजा तो इंटरस्ट रेट हो गया अगर मैं दिल्ली का दिल्ली में ही सप्लाई दे दी तो इंटरेस्ट रेट हो गया इंटरेस्ट रेट रहेगा तो सी जी प्लस एस और अगर दूसरी जगह गया तो आई ऐसे ही सर्विसेज़ का सेम कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो ये था अबाउट प्लेस ऑफ सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई इन सब के बारे में इसके बाद हम लोग टॉपिक्स देखते हैं हम लोगों के अब टॉपिक्स रह गए कस्टम ड्यूटीज़ वैल्यूएशन एक्जामेशन एक्सपेंसेस और स्मॉल कॉम्पोजिशन स्कीम जो कि मैं अपनी अगली वीडियो में कवर करूँगा अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और जो जो डाउट हो यू कैन सिंपली लिस्ट वो मैं जो रात को एक रिविजन करवाऊँगा उसमें कवर अप कर लूँगा उसके अलावा यू कैन ज्वाइन आर व्हाट्सएप ग्रुप वहाँ पे आप लोग अपनी क्वेरीज ले सकते हो एंड जस्ट ऐसे ही कीप लाइकिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू